खबर गोंडा जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर शुगर मिल परिसर में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जो 450 करोड़ रुपए की लागत से 65.61 एकड़ में बनेगा। जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि इस प्लांट से बनने वाले एथेनॉल के बाद जो लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उनकी कीमतों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। वहीं मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, बुआ और बबुआ वैसे क्या विकास के काम करें पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां केवल भतीजावाद तक ही सीमित थे। आतंकवादियों ने भगवान श्री राम पर गोलियां चलवाईं तो पूर्व की सरकारों ने उन पर मुकदमे दर्ज कर लेने का प्रयास किया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं होने दिया। जिन्ना के अनुयायी हैं उनको गन्ने की मिठास के बारे में कुछ पता नहीं है। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए गोंडा से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पर श्रद्धे कर्म अधिनी योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोगों ने कर्तव्यभावना के साथ उनका अभिवादन किया है। आज लगता है जैसे उतरा यह संसार है बह रही है तरक्की के नए आयाम खुल रहे हैं। और आप देखते हैं कि हालांकि आज सुबह से ही हल्का सा सुबह लगा कि थोड़ा ठंड है, लेकिन मोहब्बत और स्नेह और प्यार के प्रतीक किए गए भी देखें कि अपार जन सैलाब अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वचनों के लिए उन्हीं की इस विकास की धारा में स्वयं के साथ उनके